Hello dear students, welcome you all in BNPS online classes. Today we read chapter number 2 of value. The chapter number 2 is help if you can. आज हम लोग मंथन में जो आप लोगों का chapter number 2 है help if you can, मतलब यदि आप किसी की सहायता करने में सक्षम हैं तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है मंथन को वैल्यू को नैतिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो इसमें जो भी स्टोरी होती है, जैसे जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें जो स्टोरी थी उसमें ये आप लोगों को उससे ये शिक्षा मिली थी कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में ईश्वर अल्लाह विद्यमान है जो हमको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति हमेशा प्रदान करते रहते हैं। इस चैप्टर नंबर 2 के माध्यम से हमको ये सीखना है कि हम एक दूसरे की सहायता कैसे करें। तो इसी सहायता के बेस्ड पे एक स्टोरी है, इसमें उसी स्टोरी को रीड करना है। आइए उस स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी सहायता की जा रही है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में। देखिए, एन ओल्ड रेग्ड एंड ग्रे हेयर्ड लेडी वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। करा एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े क्या थे, काफी फटे पुराने थे, उसके जो बाल थे वो भूरे कलर के थे, जो क्या करना चाह रही थी, वो रोड सड़क क्रॉस करना चाह रही थी। She had a basket full of fresh vegetables in one hand and a walking stick on the other hand. उनके एक हाथ में क्या था, बास्केट था जो पूरी तरह से ताजी हरी सब्जियों से क्या हुआ था, भरा हुआ था, और दूसरे हाथ में क्या था, स्टिक था, छड़ी थी जिसके सहायता से वो चलती थी। She was trembling with the chill of winter. उस समय काफी ठंडी का मौसम था, इस वजह से वो ठंड से क्या कर रही थी, पूरी तरह से कांप रही थी। The road was wet because there had been some rainfall. और जो सड़क था वो गीला था क्योंकि क्या हुआ था, There had been some rainfall. वहाँ पे थोड़ी बहुत क्या हुई थी, बारिश हुई थी। She was wearing flat slipper whose sole was worn out. और उन्होंने जो चप्पल पहना हुआ था वो फ्लैट था, एक बराबर था, और जो उसको उसके सोल थे, सोल वो पूरी तरह से क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे या सोल घिस गए थे। आप लोगों को भी पता होगा जो जब चप्पलें घिस जाती हैं तो कितनी तेजी से वो क्या करती है, स्लिप करती है, काफी फिसलने का डर रहता है। सो ही वॉज स्केयर्ड ऑफ स्लिपिंग। तो उनको भी डर था, उस बूढ़ी औरत को भी डर था कि अगर मैं इस सड़क पर जाऊंगी तो हो सकता है मेरे पैर क्या हो जाए, फिसल जाए, क्योंकि जो मेरी चप्पल है वो पूरी तरह से क्या हो गया, उसके सोल खत्म हो गए हैं। हर फुट स्टेप पर अनस्टेबल। अब क्योंकि वो बूढ़ी थी, ठंडी का मौसम था, तो जो उनका जब वो चल रही थी या जो जब कदम बढ़ा रही थी तो वो एक जगह नहीं पड़ रहा था, वो काफी कांप रही थी। इट सीम्ड एट इस सी एक्सेप्ट Expected someone to take care of her, but there was nobody with her. अब ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके साथ या उनके पास इस समय कोई होता जो उनकी देखभाल करता, लेकिन स्थिति ये थी कि इस समय उनके पास कोई नहीं था। The road was a busy road. और जो सड़क थी वो काफी बिजी थी। बिजी का मतलब ये है कि जो सड़क थी वो काफी चहल पहल वाली थी, उस पे हमेशा क्या होता था, गाड़ियां आती जाती रहती। Like a child, she came toward the crossing and stood there waiting for the traffic to stop. एक छोटे से बच्चे की तरह वो सड़क तो क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन जब देखती थी कि गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं तो वो रुक जाती थी और वेट करती थी, इंतजार करती थी कि कब ट्रैफिक स्टॉप हो जाए, कब ट्रैफिक रुक जाए, तब हुए वह रोड क्रॉस करें। आप लोग भी जब सड़क क्रॉस करते होगे तो
राइट लेफ्ट देखते होंगे कि कहीं से कोई गाड़ियां तो नहीं आ रही होंगी, आप लोग भी उस समय का इंतजार करते होंगे जब वो गाड़ियां वहां पे से चली जाती होंगी, वो रोड पूरी तरह से एकदम खाली रहता होगा। तो आज द सिंगल सिग्नल एट द क्रॉसिंग शोड अ रेड लाइट। थोड़ी थोड़ी देर के बाद से जो सिग्नल था वो क्या हो रहा था, रेड लाइट तो हो जा रहा था लेकिन वो फिर भी क्या हो रही थी, क्रॉस नहीं कर पा रही थी। अ नंबर ऑफ टाइम्स शी ट्राइड टू स्टेप डाउन, काफी कोशिश की कि वो आगे बढ़े एंड क्रॉस द रोड और सड़क को पार करें, बट शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वेदर सी वुड बी एबल टू क्रॉस द रोड, कि वो रोड को क्रॉस कर लेंगे कि नहीं क्रॉस कर लेंगी बिफोर द ट्रैफिक स्टार्टेड अगेन, कि उनको पूरी तरह से ये विश्वास नहीं था कि जब तक ट्रैफिक रुकी हुई है उतने देर में मैं रोड सड़क क्रॉस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एंड सो सी स्टॉप्ड हरसेल, इस वजह से वो हमेशा क्या हो जा रही थी, अपने आप को रोक ले रही थी। तो आज के लिए इतना ही। इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि ये जो फिगर दिखा रहा है, इस फिगर को देख के आप लोगों को ये लग गया होगा कि ये जो लेडीज हैं वो कितनी बूढ़ी रही होंगी या इस स्टोरी में है, इनके कपड़े भी काफ़ी फटे पुराने हैं, ये सड़क नहीं क्रॉस कर पा रही थी आखिर क्यों। इतनी गाड़ियां आ जा रही थी, उसमें से उसी गाड़ियों में से कोई निकल जाता, अपनी गाड़ी रोक लेता और इनको सड़क क्रॉस करा देता तो इनकी सहायता हो जाती, लेकिन कोई नहीं कराया। अब आगे स्टोरी में पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये सड़क क्रॉस कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ऐसे अगर कोई दिखाई देता है जिसकी मदद आप लोग कर पाओ तो उसकी मदद आप लोग जरूर करो। धन्यवाद।